मोशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बड़े काम के होते हैं और नॉलेज देकर जाते हैं आपको। मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूं। अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता हो तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये चेंज इन टाइम मतलब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ गया, यही एक्सेलरेशन कहलाता है। अब देखिएगा, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है कि जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो 15 से 10 हो गई, 15 से कितनी हो गई 10। एक इंक्लाइंड प्लेन पर कोई व्हीकल चल रहा है, उसकी स्पीड पहले 15 थी लेकिन बाद में 10 हो गई, तो चेंज कितने का हुआ? तो चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 15 ठीक है, ये आपने कर दिया। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड्स। कितने टाइम लगे हैं आपको? सेकेंड लगे हैं 2 सेकेंड, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर आ जाएगा माइनस के 5 और नीचे आ जाएगा 2, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होता है माइनस के 2.5, ये हो गया 2.5, 5 का आधा होता है 2.5, माइनस के 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता, तो माइनस के 2.5, तो माइनस के 2.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ये वाला क्वेश्चन कर दोगे। मैंने आपको समझा दिया, अब ऐसा क्वेश्चन आए तो अब आप उड़ा देना। चलिएगा मुर्शद, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।